सो हेलो गाइज, स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये यूट्यूबर के लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों जो भी यूट्यूबर को गूगल एडसेंस में जो भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए मांगता है, उनके लिए बैड अपडेट है। क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा। अगर लास्ट तक वॉच करोगे तो दोस्तों आपको इस अपडेट के बारे में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। गाइज, मेरा नाम है कृष्णा, आप देख रहे हैं कृष्णा का टेक्नोलॉजी ज्ञान। तो गाइज, इस चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइज दोस्तों, चलिए बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर है जिनका चैनल मोनेटाइज हो गया, जिनका 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच टाइम पूरा हो चुका है। स्पेशली उन्हीं के लिए यह वीडियो है, क्योंकि दोस्तों जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, वो दोस्तों जब जाते हैं गूगल एडसेंस में अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने, उनके लिए बैड न्यूज़ है। स्पेशली नए यूट्यूबर, क्योंकि उन्हीं के लिए यह दिक्कत आएगा। जिनका चैनल 2-3 साल पहले ही मोनेटाइज हो चुका है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दोस्तों गूगल एडसेंस में जो भी डॉक्यूमेंट देते हैं वेरीफाई करने के लिए, तो ही आपका पैसा रेवेन्यू जब गूगल एडसेंस में आएगा। तो दोस्तों क्या करना है, दोस्तों जो भी पैन कार्ड पहले लगता था, आप देख सकते हैं पैन कार्ड, ये वाला पैन कार्ड जब लगता था, शुरू शुरू में जब पैन कार्ड लगता था तो गूगल एडसेंस क्या करता था, उसको वेरीफाई कर लेता था। मगर दोस्तों भारत सरकार ने अब पैन कार्ड को चेंज कर दिया है। जो भी पैन कार्ड पहले था, उस पैन कार्ड को पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अब जो नए पैन कार्ड आ रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। अब आप गूगल एडसेंस में जब ये पैन कार्ड वेरीफाई करोगे, तो दोस्तों गूगल एडसेंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये वीडियो स्पेशली नए यूट्यूबर के लिए जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ये स्पेशली इन्हीं के लिए है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हो कि दोस्तों गूगल एडसेंस आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेशली दोस्तों गूगल एडसेंस आधार कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके पैन कोड पर बार कोड है, तो दोस्तों आपका गूगल एडसेंस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। ये वीडियो है दोस्तों, जिनका दोस्तों 2-3 साल पहले या 4-5 साल पहले जिनका पैन कार्ड बना है, भारत का कोई कोड लगा है, स्पेशली वो जब आपके पास पैन कार्ड है, तो दोस्तों आपका गूगल एडसेंस वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास ये पैन कार्ड नहीं है, अगर आपके घर में कोई भी अदर पेरेंट्स है, अगर आपके घर में कोई भी बड़ा पेरेंट्स है, उनके पैन कार्ड पे अगर भारत सरकार का लोगो लगा है, पहले वाला जो पैन कार्ड है, जो 2-3 साल पहले वो पैन कार्ड बना था, उनका लगाओगे तो उनका वेरीफाई कर लेगा। मगर दोस्तों ध्यान दीजिए, जो इस टाइम जो भारत सरकार ने जो नया पैन कार्ड को अपडेट किया है, वो वाला पैन कार्ड लगाएंगे तो दोस्तों गूगल एडसेंस वेरीफाई नहीं लेगा। अगर आपके घर में कोई भी पापा का मम्मी का वोटर आईडी हो, पासपोर्ट हो, लाइसेंस हो, जो वो सब लगाएंगे तो ही गूगल एडसेंस एक्सेप्ट करेगा, आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अगर आपका 18 साल से उम्र ऊपर है, तो ही आप अपने गूगल एडसेंस को वेरीफाई कर पाएंगे, आधार कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी है, लाइसेंस है, पासपोर्ट है, उससे एडसेंस को वेरीफाई आप करा सकते हो। ये दोस्तों ये था बिग अपडेट, क्योंकि स्पेशली नए यूट्यूबर के लिए जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। क्योंकि दोस्तों ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास पैन कार्ड ये वाला है तो गूगल एडसेंस एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो स्पेशली यही वीडियो था स्पेशली नए यूट्यूबर के लिए, क्योंकि दोस्तों ये बिग अपडेट था, ये मुझे बताना बहुत जरूरी था स्पेशली नए यूट्यूबर के लिए। तो दोस्तों वीडियो यह था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, यूट्यूब से जो भी अपडेट आता है मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। और भी आपके मन में जो भी सवाल हो, आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा। और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट होकर और भी अच्छा वीडियो लाऊंगा अपने चैनल पे। और आज तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पर भी पोस्ट करता रहता हूँ। तो गाइस दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।